हाय फ्रेंड्स, आइए आगे एक्सप्लोरेशन में बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्कैटर प्लॉट हमारा होता है बाइवेरिएट चार्ट, जिसमें एक में एक्स एक्सिस और एक में वाई एक्सिस डालते हैं। अगर आप कोरिलेशन या रिग्रेशन रन करें, उससे पहले है एक बार अच्छा स्कैटर प्लॉट कर लें। तो मैं MPG वाई एक्सिस पे, और लेट्स से इसको मैं चेक करता हूँ हॉर्स पावर के साथ एक्स एक्सिस पे। तो ये मेरा चार्ट आ रहा है। एक ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत अलग आ रहा है। अदर देन दैट, एक थोड़ा सा कर्वी लीनियर आ रहा है। ये रिग्रेशन की लाइन भी अगर आप कहें तो दे सकता है। लाइन लीनियर ऐसे रहेगी और स्मूथ वाली थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, राइट? नन कर देंगे तो हट जाएगा। यही चीज़ अगर हम टाइप के लिए अलग अलग करके देखें तो ये अलग कलर और इसका अलग कलर कोड आ गया। एज़ यूजल यहाँ से कॉपी करेंगे और MS वर्ड के अंदर पेस्ट। बस इतना सही था, एज सिंपल एज दैट। और सेकंड, अच्छा इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे डाटा आ जाता है, यानी हाफ स्क्रीन हमारा है डाटा के लिए या इसके मेनू के लिए, और बाकी का हाफ है हमारा रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो राइट क्लिक इसके ऊपर, और देखिए इसमें रिमूव मिलेगा, रिमूव, ये साफ़ हो गया। ये भी नहीं चाहिए हमें तो रिमूव। ओके, अगला देखते हैं पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट आपको नाम से याद होगा, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता था। जैसे ओके, यहाँ तो ये बता रहा है कि एक क्या डाल रहे हो, इसमें डालो, ठीक है, यहाँ डाल दिया। और टाइप को इस पे डालते हैं हम, एक्स एक्सिस पे। तो ये इस तरह का चार्ट बनेगा। अब यहाँ पे तो हमारा एक्चुअली हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा सेंस नहीं कर रहा है इसमें, पर ये कुमुलेटिव परसेंटेज है, इसका इतना, इसका इतना, टाइप वाइज पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे कुमुलेटिव का जो है इसको बोलते हैं पेरेटो चार्ट। इसको भी हटा देते हैं। ओके, आगे देखिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है टी टेस्ट। टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो मीन है, मुझे लगता है, अच्छा इंडिपेंडेंट तो टू सैम्पल का है, सॉरी, वन सैम्पल जहाँ पे होगा उसमें हम किसी एक अगेंस्ट वैल्यू के चेक करेंगे। ये तो सिंपल वाला है कि चेक करते हैं क्या MPG व्हीकल्स की टाइप के लिए सेम थी या डिफरेंट थी। तो ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट आ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने कहा कि मुझे सारे सारी सारी बातें बताओ धीरे से ना, नॉर्मलिटी चेक पहले ये बताओ, नॉर्मलिटी है क्या, शेपर विल्क टेस्ट बताओ, लेस देन आ गया, लो पी वैल्यू सजेस्ट वायोलेशन ऑफ अजम्पशन, ओके। और अगर हम क्यू क्यू प्लॉट से देखें नॉर्मलिटी, तो क्यू क्यू प्लॉट में लाइन पे आनी चाहिए थी ना। इसका मतलब बेसिकली ऐसा दिखता है कि ये एक कोई आउटलायर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। डाटा में हम आउटलायर को चेक कर लेंगे, राइट? फिर है इक्वलिटी ऑफ वेरियंस, क्योंकि ये किसका अजम्पशन था, हाँ लो पी वैल्यू सजेस्ट वायोलेशन, लेकिन यहाँ तो 0.05 से बड़ा है तो इक्वलिटी है। मीन डिफरेंस कितना है दोनों में, दो जो मीन ट्रक और ऑटोमोबाइल्स में, उनमें डिफरेंस कितना है, तो कहाँ है हमारी टेबल, तो यहाँ पर आ गया, मीन डिफरेंस 5.57 का है एंड पी वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसमें। अगर ठीक नहीं हो तो हम वेल्च लगा सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट साइज देखना हो तो इफेक्ट साइज आप देख सकते हैं, कॉन्स डी डिस्क्रिप्टिव, इनके मीन बताओ दोनों के, ऑटोमोबाइल्स का कितना था, ट्रक का कितना था, दोनों के सेपरेट। तो 116 हमारे ऑटोमोबाइल्स थे, मीन था 25, 40 ट्रक्स थे, मीन था 19, जिनका डिफरेंस 5.7 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इंटरवल्स अगर आपको देखने हैं तो ये इंटरवल की रेंज भी आ जाएगी यहाँ पे, अपर लोअर की, यानी 5.57 का एज लो एज 4.31 और एज हाई एज 6.84। अगर इसके बीच में जीरो आती है तो जो भी मीन है दैट इज इक्वल टू जीरो, जैसे इस केस में जीरो नहीं आ रही है, राइट? डिस्क्रिप्टिव के प्लॉट कर दें तो ग्राफ आ जाएगा कि ओके, देखिए इसका जो वेरिएंस है इसका बहुत डिफरेंस नहीं है, पर मीन में देखो इसका तो 19 के करीब है, इसका 25 के करीब है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमारा हो गया टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, राइट? टू इंडिपेंडेंट सैम्पल। और अगर हमें करना है वन सैम्पल, वन सैम्पल होता है अगर एक सैम्पल हो किसी चीज़ के अगेंस्ट चेक करें। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है जो मीन है मेरा MPG जो है वो 22 के करीब है, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू में इसको लिखते हैं 22, और हमारा ये शुरू हो गया होगा यहाँ पे वन सैम्पल का 70, पी वैल्यू हमारा लेस देन 0.05 है। अच्छा नहीं, हाँ जी, अब आगे कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पर आ गया मीन कितना है, डिस्क्रिप्टिव दिखाओ जी इसका, वन सैम्पल का, इसका मीन है 23, मैं कह रहा हूँ 22,
इसका कहना है पी वैल्यू लेस देन 0.05 मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और ये 22 नहीं है। और कुछ मीन डिफरेंस, वो तो पॉइंट्स में कुछ आएगा। डिस्क्रिप्टिव का प्लॉट, मैं बोल रहा हूँ ये 22 के करीब है, मैं बोल रहा हूँ इसका एक्चुअल है 23.8, मैं कह रहा हूँ 22 के करीब है। एक्सक्लूड रैंक वगैरह तो हम अब लगा नहीं रहे। नॉर्मेलिटी ये वही उसकी चेक करेंगे, क्या जो हमारा एमपीजी है उसकी नॉर्मेलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। सो शिपैरो विलक्रेस्ट ने कहा लो पी वैल्यू सजेस्ट वायोलेशन है, वो हमने बात की थी, इसमें एक थोड़ा आउटलायर है, राइट। और तीसरा शायद इसके अंदर होगा हमारा पेड सैंपल टी टेस्ट। अब पेड का तो मेरे पास यहाँ डाटा है नहीं, मैं देखता हूँ कोई और डाटा हो तो मेरे पास। ओपन आर में आई रिमेम्बर एक मैंने रखा था, स्टॉक्स नाम था इसका। ओके यहाँ पे लो और हाई का हम कंपेयर करते हैं टी टेस्ट में पेयर्ड, तो इसको तो बस पेयर ही बताना है कि लो और हाई दोनों का कंपेयर करो। तो इसने कहा येलो जी टी टेस्ट, वो तो ठीक है पर डिस्क्रिप्टिव भी बताओ दोनों के। ओके मीन है पहले लो का जो मीन था 124, लो का 118 और हाई का 124, डिफरेंस है, हाँ है। प्लॉट करो दोनों को, लो और हाई को दिखाओ प्लॉट में कहाँ कहाँ आते हैं। ओके वेरिएंस ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा लो और हाई में आ रहा है। मीन डिफरेंस ये आ रहा है। नॉर्मेलिटी चेक इसमें डी की होती है, नॉर्मेलिटी चेक जो दोनों का लो हाई का डिफरेंस है उसकी नॉर्मेलिटी चेक होती है। और कोई खास चीज़ इफेक्ट साइज वगैरह, अगर आपको इन बातों की मीनिंग पता है तो यूज करें, वरना जो मिनिमम है उस पर काम करें। रिपोर्ट क्या करते हैं, रिपोर्ट हम करते हैं एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक ये वाले टेबल, या तो डिफरेंस है या नहीं है। अगर है डिफरेंस तो फिर मीन से आगे बताते हैं, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों एक एक जैसे थे। तो ये हमारा था टी टेस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम बाकी मेन्यूज़ की बात करते हैं। थैंक यू।